हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा लेकर के आई हूँ। तो इसको जानते तो सभी लोग होंगे, लेकिन शायद ही कोई अपना रहा होगा। मैं इसे कुछ दिनों से अपना रही हूँ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मुझे मिले हैं। और ये एक ऐसी ऐसा नुस्खा है जिसका एक बार आप मैंने एक एक सिंगल सेवन से आपको सैकड़ों फ़ायदे मिलने वाले हैं, और पीने में आपको अच्छा लगे। ये ड्रिंक है एक तरीके की, बहुत ही हेल्दी, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने ही लगभग जितना बनाया था पूरा ख़त्म कर दिया, और ये इतना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इसके बेनिफिट जानेंगे ना, तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। कई सारी चीज़ें, कई सारे नुस्खे हम जानते होते हैं, हमारे घर के आसपास हैं, इनको कुछ ज़्यादा इनके लिए खर्चा नहीं करना, कोई बहुत मेहनत नहीं है। लेकिन अगर इनके हमें जब तक हमें इनके बेनिफिट के बारे में नहीं पता होता है, हम इनकी कद्र नहीं करते हैं। तो ऐसे ही बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनने वाली यहाँ पर ये जो है ड्रिंक है हमारी। टमाटर हर किसी के घर में रखा होता है, तो एक टमाटर ले लो या आधा टमाटर ले लो। अगर बड़ा टमाटर है तो आधा ले लो, छोटा है तो आप ले लो एक टमाटर, ठीक है। डेली आपको इसे पीना है। और साथ ही आपने चुकंदर बीट रूट ले लेना है, तो बीट रूट आप आधा ले लो। अगर आपको लगे आप नहीं पी सकते हो, तो आप आधे आधे से शुरू करो। और अगर आप डेली बेसिस पे पियोगे ना, तो आपके लिए आधा ही बहुत है। और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा अमेजिंग हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो चुकंदर को आपने छील लेना है। और अगर आप चुकंदर जो है बाज़ार वाले लेते हो, उनमें थोड़ा सा महक होती है, यानी कि जो खाद वाले होते हैं। अगर ऑर्गेनिक चुकंदर कहीं से आपको मिल जाए, या आप खुद गमलों में उगा सकते हो, उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। आप एक बार पढ़िए, देखिए और इनके बारे में समझिए, तब आपको सेवन करना इनका बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, और हज़ारों प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। बीटरूट को मैंने छील करके छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और वेट लॉस के लिए तो ये इतना अच्छा है, मोटापा घटाने के लिए। आप एक बार पियोगे, अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले मैंने पिया था ये जूस, और सच में इतना भरा हुआ पेट लग रहा है कि लंच करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। यानी कि आप जब इसको पीते हो, तो आपका मोटापा, आपको जो बार बार क्रेविंग होती है, वो आपकी शांत हो जाती है। आपको ऊर्जा मिलती है, कैलोरी बहुत कम होती है इसमें, और इतने सारे इसमें विटामिन, आयरन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें। एक छोटी सी आपने गाजर ले लेनी है। देखो, सर्दियों में है तो लाल गाजर मिल जाएगी, वो ले लो। बाकी के मौसम में ऑरेंज वाली गाजर मिल जाती है, वो ले लो। तो आपने ये ले लेना है। आधा नींबू का रस लेना है। आप सब जानते हो नींबू, लेमन आपका जो है वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए, टीथ के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। और आपका जो गैस की प्रॉब्लम है, अगर आपको आपका पेट नहीं साफ होता है, मेटाबॉलिक रेट आपका जो है स्लो है, धीमा है, खाना पचाने की जो शक्ति है वो धीमी है, सारी चीज़ें इसे सॉल्व हो जाएंगी। मिक्सर के जार में, छोटे वाले में, मीडियम वाले में, बड़े वाले में ले लो। अगर आप इसे ज़्यादा पीना चाहते हो, भर पेट अगर आपको पीना है, अपनी क्रेविंग को शांत करना है, तो आप में पानी की मात्रा ज़्यादा डालना, जिससे आपका ये एक गिलास या 200-250 ml के लगभग बन पाए। अगर आपको लग रहा है आप ज़्यादा नहीं पी पा रहे हो अभी, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप इसमें पानी की मात्रा कम डालना, तो जिससे क्या होगा कि ये आपको कम क्वांटिटी में मिलेगा। अब इसे छन्नी से या किसी कपड़े में डाल करके आप छान लो, अच्छी तरीके से पीसो। इसमें काला नमक डालो थोड़ा सा, या फिर सेंधा नमक। सफ़ेद नमक जो होता है, रेगुलर नमक, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अब यहाँ पर देखो, इसे हमने छान लिया था, एक बार मैं और इसे छान रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल स्मूथ जूस मिल सके। और ये जो फाइबर है निचोड़ के बाद में निकलता है, इसे आप फेंक भी सकते हो या आटे में गूंथ सकते हो। अगर आप पी सकते हो वैसा वाला, बिना छाने वाला, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे से तो नहीं पिया जा रहा था, इसलिए मैं इसे इस तरीके से पीती हूँ। तो ये बहुत ही कंसनट्रेटेड है, इसलिए एक कप के जितना बना है बहुत फ़ायदेमंद है। इतना आप डेली बहुत आराम से पी सकते हो, सांस रोक के, आँख बंद करके आराम से पी जाओ आप। और मैं अब एक गिलास पीने लगी हूँ, मुझे इससे बहुत अमेजिंग फ़ायदे देखने को मिले हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए।